हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धाना का डेकोर। तो आज हम बात करेंगे टाटा पंच के बेस मॉडल के बारे में। तो ये गाड़ी हमारे पास बिल्कुल बेस मॉडल आई थी, तो इस गाड़ी को हमने बेस से टॉप में कन्वर्ट किया है सरदाना का डेकोर पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैक प्रोफाइल की। तो बैक प्रोफाइल में यहाँ पे जो हमने इस गाड़ी के अंदर कैमरा इंस्टॉल किया है, AHD कैमरा इस गाड़ी के अंदर लगाया गया है। और बूट स्पेस की बात करें तो मैं आपको बूट स्पेस में दिखा देता हूँ। तो बूट स्पेस में हमने इस गाड़ी के अंदर जो पार्सल ट्रे लगाई है, ये भी टाटा ओरिजिनल पार्सल ट्रे रहेगी। और साथ ही साथ में अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। गाड़ी के अंदर जो क्रोम लाइनिंग के हमने डोर वाइजर लगाए हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल पंच गाड़ी के हमारे पास आपको डोर वाइजर मिलेंगे। साथ ही साथ में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो विंडो गार्निश भी लगाई गई है। वैसे तो आपको हमारे पास हैंडल क्रोम भी मिलेंगे, पर कस्टमर की नीड नहीं थी तो इस गाड़ी के अंदर हमने नहीं लगाए। तो यहाँ पे आपको दिखाऊं तो विंडो गार्निश जो लगाई गई है, बिल्कुल पंच गाड़ी की प्रॉपर हमने इसमें विंडो गार्निश इंस्टॉल की है। साइड बीडिंग भी आप इस गाड़ी में लगवा सकते हो। और साथ ही साथ में कस्टमर ने कम बजट में बेस से टॉप में कन्वर्ट करवाई है पंच गाड़ी, तो इसमें जो हमने अलॉय व्हील नहीं इंस्टॉल किए, तो इस गाड़ी के अंदर हमने जो व्हील कवर लगाए हैं तो ब्लैक कलर के व्हील कवर लगाए गए हैं। और अब बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट में यहाँ पे आपको दिखाऊं तो जो पंच के अल्फाबेट हमने इसमें पेस्ट किए हैं, तो देख सकते हो इसके साथ भी गाड़ी की लुक है, बिल्कुल स्पोर्टी आपको दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पे आपको दिखाऊं तो हेडलाइट की LED लगाई गई है। तो ये हमने 220 वोट की इस गाड़ी के अंदर हेडलाइट के अंदर LED इंस्टॉल की है। साथ ही साथ में टाटा ओरिजिनल जो फोग लैंप लगाई गई है, तो ये जो हमने इसमें लगाई है टाटा ओरिजिनल प्रॉपर पंच की आपको हमारे पास फोग लैंप मिलेगी। और साथ ही साथ में बात करें हेडलाइट के ऊपर DRL भी लगाई गई है, तो आप देख सकते हो ये भी बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग में रहेगी। तो जो ये हमने इंस्टॉल की है सरदाना का डेकोर पे। और हेडलाइट और फोग लाइट की वर्किंग की बात करें तो जो हमने इसमें हेडलाइट के अंदर LED इंस्टॉल की है, और फोग लाइट की बात करें तो वर्किंग तो यहाँ पे आप देख सकते हो 220 वोट की जो हमने इस गाड़ी के अंदर हेडलाइट LED इंस्टॉल की है, बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग रहेगी। और नीचे की तरफ आपको दिखाऊं तो कस्टमर ने LED नहीं लगवाई, तो फोग लाइट ओरिजिनल लगाई गई है। और इसके अंदर जो आप देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग रहेगी। और यहाँ पे जो DRL लगाई गई है हेडलाइट के ऊपर, तो ये बिल्कुल जो हमने इसमें इंस्टॉल किया इसके साथ गाड़ी की लुक है, बिल्कुल स्पोर्टी आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये हमने मॉडिफिकेशन की है बाहर की। और अब बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर में भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज गाड़ी के अंदर इंस्टॉल की गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इस गाड़ी के अंदर हमने स्पीकर लगाए हैं यहाँ पे, तो कंपोनेंट स्पीकर इंस्टॉल किए गए हैं यहाँ पे, ट्विटर फिट किए गए हैं। और साथ ही साथ में जो चारों डोर्स की हमने अंदर बाहर की डंपिंग सीट की है इस गाड़ी की। बात करते हैं सीट कवर के बारे में। तो इस गाड़ी के अंदर जो सीट कवर हमने इंस्टॉल किए हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल बकेट फिटिंग के साथ हमने इसमें जो सीट कवर लगाए हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो कंपनी इनकी 3 साल की वारंटी देती है। तो ये जो हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किए हैं, साथ ही साथ में आपको दिखाऊं तो फ्लोर मैटिंग की गई है। और अब बात करते हैं सेंटर लॉक के बारे में। तो इस गाड़ी के अंदर हमने G99 की जो सेंटर लॉक इंस्टॉल की है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी जो फ्लिप की हमने इसमें बनाई है। और वर्किंग की बात करें तो ये भी बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग रहेगी। और अब बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम के बारे में। तो इस गाड़ी के अंदर जो म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, देख सकते हो 9 इंच स्क्रीन लगाई है हमने वाइब्रोसोनिक की। T5 प्रोसेसर रहेगा इसके अंदर, आप फ्रंट रियर कैमरा भी जो चला सकते हो। और जो रियर कैमरा हमने इसमें इंस्टॉल किया है उसकी वर्किंग भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो AHD कैमरा इस गाड़ी के अंदर हमने इंस्टॉल किया है। और फ्रेम की फिटिंग की बात करें तो आप देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर फ्रेम के साथ हमने इसमें जो म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल किया है, यहाँ पे आपको कहीं भी गैप नहीं दिखाई देगा। तो प्रॉपर फ्रेम आपको हमारे पास पंच का मिलेगा। तो ये जो म्यूजिक सिस्टम हमने इस गाड़ी में इंस्टॉल किया है, बिल्कुल फिटिंग के साथ इंस्टॉल किया है। और इसके अंदर फीचर्स की बात करें तो आप देख सकते हो जो टच की क्वालिटी बिल्कुल स्मूथ रहेगी। और साथ ही साथ में इसके अंदर आप YouTube, Google मैप, काफ़ी एप्लीकेशन चला सकते हो। और जो Android ऑटो और Apple CarPlay है वो वायरलेस रहेगा, Z-Link एप्लीकेशन रहेगी इसके अंदर। तो इसके साथ आप Android ऑटो और Apple CarPlay है जो वायरलेस चला सकते हो। और मैंने रियर कैमरा आपको दिखाई दिया। और साथ ही साथ में आपको बता देता हूँ जो हमने इसमें रियर स्पीकर इंस्टॉल किए हैं, तो वो हमने कोएक्सियल स्पीकर इंस्टॉल किए हैं। आगे के कंपोनेंट स्पीकर मैंने आपको तो इस गाड़ी के अंदर जो हमने टाटा ओरिजिनल स्टेयरिंग कंट्रोल भी इंस्टॉल किए आप देख सकते हो। तो ये थी पंच गाड़ी जिसको हमने कम बजट में जो बेस से टॉप में कन्वर्ट किया है सरदाना का डेकोर पे। अगर आप भी अपनी गाड़ी को बेस से टॉप कन्वर्ट करवाना चाहते हो, सरदाना का डेकोर पे विजिट करें और अपनी गाड़ी को बेस से टॉप कन्वर्ट करवाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।